अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो माशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ दोस्तों। कुछ काम के सिलसिले में मैं मसरूफ़ था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो काफ़ी दोस्तों की यानी कि रिक्वेस्ट में व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे, क्योंकि सर के हमारे बटेरे कुछ बीमार हैं, कुछ के यानी कि जैसे नाक से पानी बहता है, गले में बगलाँ वगैरह जैसे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर नाजुक परिंदों को ऐसी बीमारियां लगती हैं जैसे मुर्गी हो गई या बटेर हो गए, तितर हो गए, इस तरह के। तो उनके लिए जो आज दवाई आपको बताऊंगा ये ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरे पास भी एक बटेर था। तो फ़िलहाल ये पट्टा है क्योंकि ये बीमार था, क्योंकि इसके गले में बगलम थे और इसकी नाक से भी हल्का हल्का पानी यानी कि बहता था। तो फिर मैंने इसको जो दवाई दी है उससे ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, क्योंकि वो जो दवाई मैंने दी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसको जो दवाई देनी है वो सिर्फ़ एक टाइम देनी है, और उसके बाद जो खुराक है वो सिर्फ शाम के टाइम थोड़ी सी दे सकते हैं, बिल्कुल सारा दिन ऐसा खड़े रहने देना है, क्योंकि ये जो दवाई देनी है, क्योंकि उसको फिर अपने बटेर को पानी बिल्कुल नहीं देना, ना ही खुराक देनी है जिस टाइम ये दवाई पिलानी है। सिर्फ 3 घंटे उस दवाई को देना है, उसके बाद कुछ नहीं देना बटेर को। जैसे ही दवाई दें उसके बाद फिर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं देनी, इसको पिंजरे में यानी कि जो भी चीज़ आपके पास कापा का है या पिंजरा है उसमें खड़ा देना है, ठीक है? तो फिर दवाई जो है वो आप लोगों को बताते हैं, उस दवाई का नाम है एरिनेक। अगर वो आपको स्टोर से जो सिरप है एरिनेक ये मिल जाए तो ठीक है, अगर ये ना मिले तो फिर आप लोगों ने कोल्डीन सिरप या गोलियां लेनी है, ठीक है? ये दोनों में फार्मूला एक ही है, यानी कि ये दोनों कंपनी की दवाइयाँ बिल्कुल अच्छी हैं। इनमें से जो भी आप लोगों को मिले वो आप लोगों ने 1 cc इंजेक्शन जो है टीका है वो 1 cc लेना है, और अपने बटेर को यानी कि गले में टीके की मदद से इनकी छट्टी में वो डाल देनी है दवाई। तो सारा दिन बिल्कुल भूखा खड़ा रहे और पानी बिल्कुल नहीं देना, दिन में सिर्फ 1 cc एक टाइम देनी है, यानी कि पूरे दिन में 1 cc एक दिन में देनी है। अगले दिन अगर ठीक हो जाए तो फिर बिल्कुल नहीं देनी दवाई, अगर फिर भी यानी कि गले में बगलम वगैरह जैसे पानी रेशा है हल्का हल्का तो फिर 1 cc दूसरे दिन देनी है, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं देनी, कोई चीज़ भी यानी कि कोई और कैप्सूल जैसे होते हैं वो पी फैजर वाले वो भी नहीं देने, बाकी कोई दवाई नहीं देनी, बस इनमें से जो भी सिरप मिले, गोलियां नहीं बिल्कुल, क्योंकि सिरप मिले वो आप लोगों ने लेनी है। तो इंशाल्लाह इनसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं परिंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया है, और इसने भी दाना बिल्कुल उठाया और अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि अभी मैं बाहर खड़ा बैठा हूँ तो इसलिए इसको जैसे ये देखें ये पानी वाली यानी कि वीठे मार रहा है। इसने दाना शाम के टाइम थोड़ा सा मैंने इसको दिया था, इसने हज़म कर लिया है, अब इसकी तबीयत ठीक है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये नुस्खा शेयर कर दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को वीडियो को भी लाइक करें, और जो बात हमसे पूछने कमेंट करें, और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो ज्वाइन करके मज़ीद मालूमात पूछ सकते हैं हमसे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।